बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और मैं तो बड़ा ही एक तरह से विस्मय की स्थिति में था कि बिल किस चीज़ पर है और चर्चा किन किन चीज़ों की हो गई। बिल बहुत ही स्पष्ट है, जो जावेद अली खान साहब कह रहे थे कि जो तीन हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं और वहाँ के जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं और जिनके साथ रिलीजन के आधार पर प्रोसिक्यूशन हुआ है और वो हमारे देश में आए के शरण लिए हुए हैं, उनको नागरिकता देने की व्यवस्था है। सीधे इतना ही है, लेकिन बातें क्या हो रही है? बात हो रही है हिंदुस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाई लोग हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। और हमारे साथी चर्चा क्या कर रहे हैं कि साहब प्रियम्बुल का वायलेशन हो रहा है। सब बड़े बड़े वकील हैं, लेकिन हम लोग भी पढ़े लिखे लोग, प्रियम्बुल में पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि किसको दिया जाएगा, जो सिटीजन है। ये तो सिटीजन बिल की भी बात हो रही है। और आनंद शर्मा जी कह रहे थे आर्टिकल 15 सिर्फ और सिर्फ जो हिंदुस्तान का नागरिक है सिटीजन, वही उसको अवेल करता है। आर्टिकल 14 की बात है तो सब जानते हैं उसमें कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो है, जिसमें इंटेलिजिबल जो डिफरेंशियल है और सब्सटेंशियल जो डिस्टिंक्शन है, उसका बहुत स्पष्ट मतलब है और उसी के आधार पर अपने देश में बहुत कानून बने हैं और ये कानून बना। तो इसलिए हम लोग इसका, हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है। हमारे डेरेक ओब्रायन साहब ने एक बात कही, मोरालिटी की बात कही, तो मैं जरा उस पर आना चाहूंगा। मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। वो बात कर रहे थे नाजी का, जर्मनी का, तो जो कंसंट्रेशन कैंप था उसी देश में था, कोई बाहर से लोग नहीं आ रहे थे। और यहां ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। हमारा देश एक रिपब्लिक है और जो फिगर दे रहे थे हमारे नड्डा साहब, आप फिगर को देखिए ना, हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं सबको समान अधिकार है और सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। और यही कारण है कि इस देश में एक नहीं तीन तीन राष्ट्रपति माइनॉरिटी समाज से हुए, चीफ जस्टिस हुए। लेकिन बगल के देशों में देख लीजिए तो हिंदुस्तान के लोगों को कहीं से भी उनके मन में भय क्यों डालते हैं? हिंदुस्तान की अपनी एक संस्कृति रही है, यहाँ एक हमारे यहाँ आप डर किस चीज से रहे हैं? बार बार बोल रहे हैं, चर्चा कर देते हैं NRC। अरे सी से जरा आगे भी बढ़िए, सी के आगे डी होता है। तो हम लोगों का एजेंडा होगा नेशनल रजिस्टर ऑफ डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट किसके लिए करेंगे? जो इस देश के नागरिक हैं। जो इस देश का नागरिक नहीं है उसके लिए क्या डेवलपमेंट करना है? और जहां तक मॉरलिटी JDU की बात है, ढेरे कोबरायन साहब आपने एक बात कही, उसको बुरा मत मानिएगा, आपकी नेता बहुत संघर्षशील हैं, बहुत एजिटेशन करती हैं, लेकिन हम लोग बिहार के लोग उनका एक एजिटेशन बराबर याद रखते हैं। और वो तब जब हमारे हाजीपुर में रेलवे का जोन बन रहा था और मुगल सराय को लिया जा रहा था, तो आपके नेता क्या कर रही थी? आप जरा देख लीजिए ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता में आपका कितना जोन था, जब वहां पर आ रहा था कितना विरोध किया गया। जो हमारे ग्रामीण इलाके में जो स्टेशन होते थे वहां कौन कर्मचारी होते थे? तो देखिए यहां सब लोग स्टेशन करते हैं, अपने लिए, अपने प्रदेश के लिए करना चाहिए। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि आज 14 साल से बीच में 20 महीना छोड़ दीजिए, बिहार में NDA की सरकार है। आप जाकर के देख लीजिए, पता कर लीजिए और चले जाइए अल्पसंख्यक इलाकों में, खास करके वो यही बोलेंगे कि यहां नीतीश बाबू के नेतृत्व में NDA सरकार काम करे, आगे भी काम करे। क्यों बोलते हैं ये? मैं आपके सामने दो तीन बात रख देना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमारी मॉरलिटी को क्वेश्चन किया है। आप मदरसा जानते हैं? 1924 में मदरसा का इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ, 2005 में हमारी सरकार बनी जब हम लोग NDA में साथ में आए। आपने 81 सालों में सिर्फ 1128 मदरसे बनाए,
और एनडीए की सरकार ने एक कलम से एक बार में 2460 मदरसे बनाए। जब मदरसा के टीचर थे आपकी सरकारें थी वहां कितना पैसा देते थे, 2 से 3 हजार। आज आप देख लीजिए एनडीए की सरकार है, 7वां वेतन आयोग दे रहे हैं 50 से 60 हजार। वहां पर क्या था, आप किस प्रकार से डराते थे? उनके जो पूरे के पूरे जो कब्रिस्तान थी उसको क्या भाल बना रखा था, आप जाके पता कर लीजिए। 6000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई जा चुकी है। तो जो कब्रिस्तानों की सुरक्षा करे वो तो हो गया कॉम्युनल, और जो सुरक्षा ना करे हो गया सेकुलर। और ये भी जान लीजिए, आप ये भी जान लीजिए, ये भी जान लीजिए, मॉरलिटी की बात हो रही है। जो पहले की सरकारें थी, बजट देख लीजिए अल्पसंख्यक कल्याण का, मात्र 2.75 करोड़, और आज देख लीजिए 900 करोड़ से ज्यादा है। हमको क्या मॉरलिटी देखना है? 14 साल से हमारी वहां सरकार एनडीए की चल रही है, एक भी घटना बता दीजिए जहां की जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई इस तरह की बात हुई हो। अभी बीपीएससी का रिजल्ट 2 टर्म पहले का जो हुआ पता कर लीजिए, कितने हमारे अल्पसंख्यक बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, केंद्र में भी जरा पता कर लीजिए, मैं तो 1984 बैच का IAS अफसर रहा, मेरे बैच में मात्र, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेता लेकिन यहां लेना पड़ रहा, एक मुस्लिम साथी था, 146 में एक। और आप 2014 बैच, 15 बैच, 16 बैच, 17 बैच, 18 बैच का रिजल्ट आ गया है, जाके पता कर लीजिए। तो क्यों इस देश को डरा रहे हैं कि सर आपका कोई जगह नहीं? उनकी पूरी जगह है, उनके पास मेरिट है, किसी भी स्थान को प्राप्त करेगी। आज कश्मीर का मुद्दा उठता यूनाइटेड नेशंस में, हमारा केस वहां कौन प्लीट करता है? कौन, किस समाज का हमारा अफसर है जो प्लीट करता है? इसलिए इस देश में हम लोग क्यों, किस तरह की चर्चा कर रहे हैं, क्या नैरेटिव बना रहे हैं? नैरेटिव यह होना है कि कैसे हमारा देश, आप ठीक कह रहे थे कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, यह एजेंडा होना है। इसके लिए पूरा का पूरा जो समाज है, किस तरह से लोगों में भाईचारा रहे, लोगों में बंधुत्व रहे, सब लोग आगे मिलकर के चले, और इससे ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इस बिल में ऐसी कोई बात नहीं है, और ये बिल्कुल आश्वस्त करना चाहेंगे हम तो बिहार के, और मैं जरूर इस बात को सुनिश्चित कराना चाहूंगा कि इस देश में धर्म के नाम पर किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय होगा तो हम लोग कोई पीछे रहने वाले हैं? कभी नहीं पीछे रहने वाले। और यही इस देश की खासियत है, ये देश का बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास है, और हम सब लोगों को यह मिलकर के चलना है कि 130 करोड़ जो लोग हैं वो सब हिंदुस्तानी हैं, सबको बराबर का अधिकार है, सबको बराबर का आगे बढ़ने का अधिकार है, और सबको बराबर हक मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।